जिहाद। लबैक लबैक अल्जिहाद अल्जिहाद। लबैक लबैक अल्जिहाद अल्जिहाद। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नारे रिसाले या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। लबैक लबैक अल्जिहाद अल्जिहाद। लबैक लबैक अल्जिहाद अल्जिहाद। आपको पता है यहूदी जो है, ईसाई जो है, मुशरिकीन जो है, वो आपके एटम बम से नहीं डरते। वो मुसलमान एक मोमिन के अंदर छुपे हुए ईमान से डरते हैं। जो ईमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर है, उससे डरते हैं। हम कश्मीरी भाइयों को, अपनी माँओं को, जो आज भी हमारा इंतजार कर रही है कि कब हमारी फौज जो है वो आए और आकर जो है वो कश्मीर को आजाद करवाए। आज भी वो किसी मोहम्मद बिन कासिम की, आज भी वो किसी टीपू सुल्तान के इंतजार में है। मैंने पहले भी सर मेरे साथ है उधर स्कूल में, मैंने कहा कि टीपू सुल्तान जो था, उसको जब कहा गया कि आपकी जो फौज है वो भी काफी मारी जा चुकी है, आप जो है आप सरेंडर कर दें, हथियार फेंक दें, आपको जो है जिला वितरण करके, आपका वजीफा मुकर्रर करके आपको किसी और मुल्क भेज दिया जाएगा। लेकिन उस मर्द मोमिन के जो अल्फाज थे, उसने ये कहा कि यहाँ पे सबको पता होगा कि शेर की जो एक दिन की जिंदगी है वो गीदर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दरअसल उन्होंने ये नहीं कहा था, उनका मतलब ये था कि गैरतमंद की जिंदगी का एक लम्हा, गैरतमंद की जिंदगी का एक लम्हा जो है वो बेगैरत की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज कश्मीरी आवाम जो है, हमारे भाई है वो जो है, जो इंडियन आर्मी के सामने निहत्ते वहां पे खड़े होके बड़ी जुरत और मर्दानगी के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। हमने उनके बाजू बनना है, हमने उनका साथ देना है, और हमने इंशाल्लाह आप में से, हम में से जो है, हमने अपने उन भाइयों को आजाद करवाना है और अपनी फौज के पीछे शीशा पलाई दीवार बन के हम लोगों ने खड़े होना है।